पीएम मोदी ने ऊना से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश में आज कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, आज हमने उस बात को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी अब हिजाब बैन मामले की सुनवाई। दो जजों की बेंच ने मामला सीजेआई के पास भेजा। मामले में दोनों जजों की राय अलग अलग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन गुजरात। अहमदाबाद में गुजरात गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी। दो और रूट पर भी शुरू की गौरव यात्रा। गुजरात में फरी एक बार शांति सुशासन समृद्धि नु शासन आवे। पंजाब के मोहाली में आरपीजी अटैक का मुख्य आरोपी चढ़क सिंह गिरफ्तार। पंजाब पुलिस और मुंबई एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली कामयाबी। जिड़ा की मोहाली आरपीजी अटैक का मेन सूत्रधार सी नु मुंबई तो गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस थाने में लगी आग। पुलिस की गाड़ी में रखे जब्त पटाखे में धमाके के बाद भड़की आग। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन मामले में ईडी ने आईएएस समेत तीन अधिकारियों को किया गिरफ्तार। दो दिन की छापेमारी के बाद कार्रवाई। करोड़ों के कैश और जेवरात हुए बरामद। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में किया दर्शन पूजन। दोनों धाम में ढाई ढाई करोड़ रुपए का दिया दान। CNN News 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड का ऐलान। योगी आदित्यनाथ बने पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर तो नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन बने एंटरटेनर ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग अचीवर बने रणवीर सिंह। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर वन न्यूज चैनल।